पेश हुए थे कोर्ट में, क्या मामला था, क्या हुआ? 23 साल पुराने मामले में मुझे लोअर कोर्ट से और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट से 3 महीने की सजा हुई थी, और मेरे साथ कांग्रेस के नेता कमल श्रीवास्तव जी, संतोष चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी और वर्तमान सभासद विजय सेक्रेटरी जी को सजा हुई। और इस मामले में मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, याचिका की थी। वहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा जी ने बहस की और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे राहत देते हुए सजा पर रोक लगाई, कमल श्रीवास्तव जी की सजा पर रोक लगाई और जमानत लेने का निर्देश दिया लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। तो आज 50-50 हज़ार के निजी मुचलके पे हम लोगों को जमानत दी गई है, कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे। आगे के लिए उच्च न्यायालय का आदेश है कि जब भी उच्च न्यायालय रिवीजन के दौरान हमें बुलाएंगे तो उस समय चाहे मैं या मेरे वकील वहां पर हाजिर होंगे। अरविंद सिंह राजा जी और यहां पे मदन सिंह जी इस पूरे मामले को देख रहे थे, और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें न्याय संगत जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे। न्यायालय का जब भी आदेश होगा न्यायालय के सामने हाजिर होंगे। महामारी अधिनियम के तहत आएगी तो वो आपको बता देंगे। सामूहिक विवाह घोटाला क्या कहेंगे भैया? हम अब सीधे आवते ही सामूहिक विवाह घोटाला, सरकार ने पहले देख ली तब बताई ना। सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है और चार यूपीएस जो है वो एक धोखा है इस देश के लाखों कर्मचारियों के साथ। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये क्या स्कीम है? आप कर्मचारियों से ही 10% काट रहे हैं और उन्हीं को पेंशन दे रहे हैं, ये कौन सी स्कीम है आपकी? कर्मचारियों का पैसा लेके कर्मचारियों को पेंशन? तो यूपीएस जो है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है इस देश के कर्मचारियों के साथ, और उनके मन में काफ़ी गुस्सा और रोष है। और दूसरी बात, इस देश के दलितों और ओबीसी के साथ भी ये धोखा है। क्यों है? आपने ओबीसी में उम्र की छूट दे रखी है, 38 साल तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दलित और आदिवासी में छूट दे रखी है, 40 साल तक वो नौकरी पा सकते हैं, तो 25 साल पेंशन। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।